संत गांव बरिया चेला बड़ा और मोटा आश्रम बड़ा कोरा कोठा कोनी पर खोज करे खोज के संसार में जब तक दुखी है तब तक संत शांति से बैठ नहीं सकते। ये भोग तो दिखाने की चीज है। अंदर से योगी होते और संसार में शांति कैसे व्याप्त हो इसी खोज में लगे रहे। तो मायरे के माध्यम से आपको इसी विषय पर जानकारी दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन होगा। मुझे मेरे ठाकुर जी पर विश्वास है, अगर मेरे जीवन में हुआ है तो सबके जीवन में होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अगर मूर्ति कोई लिंग आकार है पिंडी आकार है तो कोई दोष नहीं, लेकिन अगर उसका स्वरूप बनाओगे तो आपको उस स्वरूप में गलती करने की इजाजत नहीं है। शब्द और स्वरूप और श्रद्धा काम करती है सही तरीके से, तभी परिणाम सही आते। बोलो सावल सरकार की। तो नरसिंह जी की कथा सुनी आप, और नरसिंह जी की कथा में आप हुंडी स्वीकार ली ठाकुर जी नरसिंह जी, और हारिए पैरागियो। अब मायरो भरण आवेला, आज बुलाऊं के परसू? मायरो भरण तो परसू जावेला नहीं है, आ तो रात की कराई बुलाव ना पड़ी। एड़ो वर्णन आवे के नरसिंह जी री बेटी नानी भाई पनीजर गई नहीं, इमे लिखियो भाई कदे आई कोनी, मन लागे मां मरीजन आई होई। मैं क्यों मारा भाव है मां मरीजन कदे आई वाले पाछी कदे आई कोनी, नरसिंह जी बैरागी हो गया। अब लेवर देवर ने राम जी रो नौ जने हास रे भेजे कोनी, थर बाप कने है के। आज इतो समय निकल गयो के नरसिंह जी री बेटी री बेटी पनावन हावे आएगी ना, तो नरसिंह जी ने बेटी री कोई खबर ना दोई पीरी और ना बेटी ने बाप जी री खबर है। क्योंकि नरसिंह जी जब राम नाम रो धन अपनायो तो सगा संबंधियों मोह त्याग दियो, नरसिंह जी मुकाबे गाडा भर भर की कोनी भेजे छोड़ो आगो। और नरसिंह जी आज नरसिंह जी ने सगाड़े घरे नरसिंह जी ने दोई पुरी ने ब्याव मंडी जी और वो कुकु पत्री लिखी जा रही है। अरे नरसिंह जी री दीकरी नानी बाई ना, लगन दो श्री रंग की ओर तो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव हरी। अरे तो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव, कृष्ण प्रभु सप्तमी कम कम पत्री लिखाए, कृष्ण विदुलापी कम कम पत्री लिखाए। श्री रंग जी रे घरे कुकु पत्री लिखी जा रही है, नानी रे छोरी रे ब्याह रे पोतरी रे ब्याह, और भाई बंधुओं ने बुलाना पड़े कार्ड लिखे जाने। कुकु पत्री लिखी भाई बंद है आया बेड़ा हो नहीं सब जरा जाजम बिठाई और हेंगो ने ब्याहिया। भाई बंद भेड़ा होता नहीं कड़े कड़े मौके माते भेड़ा होता, और चार जना भेड़ा हुए नहीं तो चार बासन तो बचे ही जे बचे कि नहीं बचे। भैया रे अबे आज भेड़ा हुआ हो
कई होनी माफ होई जो को बात जाजम नीचे कहंदा नी अटे छोड़ जाई जो घरी बात बारे नहीं जावे जने जाजम बिछावे अबे कई बिछावे सोफा कुर्सियों टेबलों अब सोफा कुर्सियों मते भाई बंधु बैठे पच तू तू मैं करे और दबावन में जाजम होवे कोनी और सोफा पलंग नीचे सर मारे निकल जाओ बात बायों ने तो ठाई को नहीं की ये बात मत लड़ी यार गांव में पली ठा पड़ जाओ तो बडेरा गेला थोड़ी है ता जाजम भी छावता और कहता कि जाजम नीचे घाल दो अब सर्रा तो मारे सोफा नीचे सरक जा पूरे गांव में ठा पड़ जा अटे भाई बिंदु भेड़ा हो रहा ओके हुए ना लिखो ओके हुए ना लिखो मोटा भाई ने बड़ा बाप भी जाड़ा का पहली लिख गणेश जी ने और बच्चे श्री रंग लिख थारे सगे नरसी ने और जो ही नरसी रो कहो श्री रंग रो मुंडो पीलो पड़ गयो ये मोडी ने बुलार भेर कई घर में ओ मोडी और कई कर मन में सोचे अब गिनायत भाई बंधु आगे केवे तो गोजो लागे के आगे कने पया कौन जन बुलाओ कौन आप री मूछ रो चावल राखे हां लिखू लिखू लिख दियो अब हैंग पिछाण वाला री लिखी और बचे कहो भाई सबरी लिखी जी अब मैं जावा पंच लिखी बहु पत्रिका पहुंचे निज निज धाम पंच लिखी बहु पत्रिका पहुंचे निज निज धाम तेरे लगे काशी को लेकर सबको नाम हरि हर देर लगे काशी को ले ले सबको नाम अरे नरसी जीरी पत्रिका विप्र को कलिया हाथ जीरी पत्रिका विप्र को कलिया हाथ अरे चुंडा गड़त देखते लेकर आई तो साथ हसी अरे चुंडा गड़त देखते लेकर आई तो साथ अब कासीद ने बुलायो मतलब पोस्टमैन वाला गौरव बिंदियो के भाई तू जा हैंग जगह पहुंचाई दे अब नरसी जी री केरला रे भेजे ब्याई जी है योरे घर रा एक पुरोई जी हा पूजा पाठ दूजा कराउंता आउंता जाउंता कोकलिए जी ने बुलाया के ओ कोकलिए जी क्या महाराज हेटो गई होयो के बे आके हैंग लिखी जगी अब थे मार हगोरे जाओ और आ दे रहो अब कुकली जी तो मुंडो हरो ये जोरदार अरे मैं परशुराम रे बियारी कुकू पत्री देवण गयो छ नरसी जी मने 11 होने री मोर दी थी हमें जाऊं तो पहुंच तो दे ही दे दे 3 रुपया में यो ठाकोनी के बैठे तो वार ना रहो लालच में आ गयो भोले बामण और कुकू पत्री ले दौड़ तो और गयो के बीरणी ने पूछू आपरे बाप जी ने की हले हो देवणो वे तो और जान कयो भाई थारे बाप जी ने जाय रियो थारे कई संदेश देवणो है अटे श्रीरंग जी आ गया सेठाणी कने और कयो भाई मैं तो कोकलिए ने पत्रिका दी हूं श्रीरंग जी री नरसी जी री वही लेर जाय रिया है हेटाणी के थोर मत तो खराब है आ तो यूं ही केवेला लोभी लालचियों रहते पत्नियों आवे भाई धर्म पत्नियों को नहीं आवे लोभी लाल जी नहीं है जी थोड़ी कही कि स्वामी थे क्यों भेजो केरे वास्ते भेजो हमजदार होती तो कहती अपना सगा है जेड़े ही है भाई बुलावना तो पड़ी छी कही के नहीं की लेकिन आ तो लोभी लाल चढ़ी आके उन मोडिया ने थे क्यों बुलाओ मारी तो कोई ये घर में सुने ही कोनी मन तो कोई पूछे ही कोनी मोडियो संग बजाव तो आसी लोग करेला मारी हंसी गड़ी वाला केवे लगी रे सगा देखो मोडिया धोडिया लंगोटियों वाला मारे कोनी बोलेणो मारी कोई सुने कोनी हु करती फिर रही पूरे घर में किड़किड़ियो माटे और मारी कोई सुने कोनी हु किड़किड़ियो हासू देखती बैठी नानी री दादी हासू असरिंग री बहु एनी आ तेज गणी पर दादी हासू लोबड़ी लालची जी यो थोड़ी दबती देख के ओए बीनणी ए बीनणी ए यू गोता की कर खावे भाई थर चाय उतर गई हैं चाय बनाओ थे चुप हो जाओ बच के मारे हम ही बोले चुपचाप बैठो मार बात काम करे कोनी मोड़ी बोला मोड़ी आई मोड़ी के देखड़ पड़ी मार तो जिंदगी में लिखो डाई ये घर में पनी जाई जणो नाटक की जू अरे होयो कई बोल तो सही थे चुप हो जाओ माजी
ठनकी ठा कोनी मार मात कई बीते मार जीव जाने। अरे होयो कई बोल तो सही नींबू पानी बनाओ अरे मार की कोनी बनाओ ना जोर जोर बोलू लगी हेले हासू तो हासू जो अरे श्री रंगियारी बहु हैप्पी बेन सीधी सीधी बताओ बात कही है। अबे थोड़ी भिचकी के दादी जी तो फॉर्म में आ गया है माँ जी कहीं क्यों था ने कह तो सही माँ जी उमोड़ी पत्रिका लिखी है कि उमोड़ी अरे परशुराम रो हो रो नरसिंह के हो देखो जब ब्याह कराए तो मेहता जी कहता है योरा मुंडा को नहीं थकता क्योंकि गाड़ा भर भर दाई जो दियो लेकिन राम राम री कदर लोभी नहीं समझ सके। आज मोड़ियो इन मोडियारी पत्रिका अरे बीनड़ी वाए वाह थे तो मारे घर रे चूल्हा री रोटी अरे पली ने रो पोणी लजायो रे डावड़ी के क्यों खोदियो पहाड़ निकलियो ऊंदरो होयो कई अरे मैं एड़ी मारे री पर्ची बनार भेजूला नरसी तो कई नरसी री छोए ही कोनी आवे अंजारे ए महाराज को केस है नी बीनड़ी ए यूज धोड़ा गो या नी और डोकरी कहो ओ बिनरियो चौक में आ जाओ फटाफट। अब हैं नारायणी री बहुर मोटोडरी बहुर दोइतरियों और बेटियों और पोतियों हैं चौक में आ गई सासू ननद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के हाथ कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलायो हर दात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलायो रे घर आई जोई मती रे हरी हमें बाई बोली थे तो दिखोई मारे को सुधारे घर आई जो ही मती अरे मारी तो सासू जी ने माहे रारी क्या अरे माई रो चुड़े तो लेकर आई जो बनी मात हरी अरे माई रो चुड़े तो लेकर आई जो बनी मात अरे इतनो तो संदेशो मारो देखो जोशी जी हसी गणी होती है अरे आगे तो क्रियावर कारज मोगराई किया अरे काका पर पर जो तो माने ताई जा किया ते हसी अरे जो बढ़ते बढ़ दांत माने ताई ये दिया माहेरानी मेरा आई बब्र तो करूँ रे माहेरानी मेरा आई वक्त करूँ आवड़ो हो वे तो खर्ची लाई जो भरपूर अरे आवड़ो हो वे तो खर्ची लाई जो भरपूर अरे सूरत री बारात आसी बारो पी देसी सूरत की बारात आसी बारो पी देसी अरे माही लो फरसों को बात दारो ही लेसी अरे माहे रो पर जो तो भात थारो ही लेती रे हरी अरे देख चूक ने चूड़ चूंदड़ी बोड़ चढ़िया चढ़सी देख चूक ने चूड़ चूंदड़ी बोड़ चढ़िए चढ़सी अरे इतनो तो फिरी हवर कारज करनो ही पड़सी रे हरी अरे इतनो तो क्रियावर था ते करनो ही पड़सी अरे बदल चले सारे सब काज बदल चले प्रभु सारे सब काज नानी पैरे बाहरारी सावरा ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि नानी भाई कहो भाई आओ
तो थोड़ा स्वागत है मारो तो ऐज कहो है कि बाप जी भूल कर भी अठे मती आया क्योंकि मारा हासू हुसरा तो मायरा भूखा है। अगर बिना मायरो खर्ची लिए आया तो थोड़ो बहुत अपमान करेला थोड़े मुंह आगे बैठी तो मैं थोड़ो अपमान रोज सुनो पर थे मारे हामी उबा होला और वे थारो अपमान करेला तो नानी जीव ते जीव मर जावेला। इरे वास्ते बाप जी हाथ जोड़ विनती है मारो ब्याह तो जाने तो थे घणो दात दाई जो दियो आ मायरे री टेम एड़ी करूर आई है थाने करने की देवन लेवन ने कोनी और मारा लोबिया सासरे वाला काई लिए बिना माने कोनी मारी तो एक ही विनती है मारे सासरे मत आई जो और आओला तो सूरताड़ो ने बरात तो देवनी पड़ी थोने जीमावना पड़ी मारी छोरी कोई कोई ब्राह्मणों में रिवाज है छोरी रो भी बंदोली निकले आ गोड़ी चढ़लानी तो ये ना चूड़ो तो थोड़े घर रोज पहरावनी पड़ी चूड़ी थोड़े घर ही पहरावनी पड़ी नहीं तो एक ही बात वेला के आया ही को नहीं तो लावे कर आप मत आई जो ये तरीके वो संवाद लिखवा रही है नानी जीव दुख पा रही है कि मारे बाप जी आई तो मोर बहुत अपमान होवेला और ईज कथा रे माध्यम भक्त और भगवान रो केड़ो संबंध होनो चाहिए और केड़ो संबंध होए जने भगवान भक्त रे आगे लारे फिरे उरे पगोरे नीचे हाथ देवड़ा फिरे उए ने खोले में उठाएड़ा फिरे आ कथा सिखा। श्रद्धा में ही सब कुछ है पर श्रद्धा भी सच्ची तभी होगी जब स्वरूप सही होंगे जब शब्द सही होंगे वरना कोई चीज का अस्तित्व नहीं रहेगा और कभी भी नकारात्मकता पर सकारात्मकता को हम भारी नहीं कर सकते और जब तक नकारात्मकता हावी रहेगी संसार में कभी शांति व्याप्त नहीं हो सकती। भाई यही एक आपको बताने के लिए सत्संग का रास्ता चुना गया क्योंकि सत्संग सच्चा वही है जिसमें जीव जीव मात्र के मन को शांति प्राप्त हो जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो। इसी के साथ आज की कथा को विराम देंगे कल इसी विषय पर और विस्तार से जानकारी और नरसिंह जी के मायरे की जोरदार कथा बराबर 10:30 बजे यहाँ भजन शुरू होंगे 11:15 आरती और 11 बजे मायरा आरंभ और 3 बजे वापस आरती होगी। भाई मेरा निवेदन यहाँ 10:30 बजे भजन शुरू और 11 बजे मायरे की शुरुआत हो जाएगी। आप सब ज्यादा से ज्यादा पधारो और जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं वो भी अपने घरों का ज्यादा से ज्यादा सुधार करो और कोई भी संशय मन में हो तो फलोदी जय सियाराम आश्रम में आकर अपने संशय का समाधान कर सकते हैं वार्तालाप के द्वारा बातचीत के द्वारा बाप जी महाराज के सानिध्य में आपको पूर्णतया संशय का समाधान करने का रास्ता मिलेगा। और जोरदार उत्सव हो रहा है 19 तारीख को हनुमान जी की 4 मूर्तियों की स्थापना के साथ 2700 किलो आटे का रोटी का भोग जो देखने लायक होगा जरूर प्रसादी प्राप्त करें और जरूर पधारें। जय सियाराम आओ आरती की तैयारी बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक मीठो मीठो भजन पर हाजिरी लगाओ और पग सीधा कर लो जैसे आरती की तैयारी हो बोले सावल सरकार की। कब से खड़े हैं झोली बसा क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार जग रखवाला है मेरे भोले बाबा मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा जग रखवाला है मेरे भोले बाबा मंदिर में ये भीड़ भारी
भोले बाबा मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अपने हुए हैं पराए जिंदगी से हारे कम जमाने का हम लेके आए तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। से खड़े हैं टोली पसार पुनः रो अपनी पुकार जग रखे वाला है मेरे भोले बाबा मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मेरा ही भगवान की बोलो सावल सरकार की बोलो राधे रानी सरकार की। खड़ा हो जाओ सब आरती लिए। सावल सागिर धारी बला हो रामा सावल सागिर धारी बिन मोरी गोपाल बिन मोरी नाथ बिन विराजे कमल की छवि कमल की छवि नारी बला हो रामा कमल की छवि नारी बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावर सेठ बिन मोरी लटपट पागे केसरिया जामो पट पाग केसरिया जामो किमड़े रोहार हजारी किमड़े रोहार हजारी भला हो रामा दल विच हार हजारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मीनाथ बिन मोरी मन कबर रे वृंदावन में वृंदावन में चरावे मुरली बजावे मुरली तारी हो मुरली बजावे मुरली तारी भला हो रामा बंसी बजावे बंसी तारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मीनाथ बिन मोरी कौन खबर ले वृंदावन वृंदावन में रास रचो है रास रचावे गिरवर धारी हो रास रचावे मुरली धारी भला हो रामा गोपिया बिच गिर धारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मीनाथ बिन मोरी और खबर ले इंदर को इंदर को किया ब्रज ऊपर नकबर गिरवर धारी हो नकबर की
करी इंदर को थे कियो ब्रज ऊपर इंदर को थे कियो ब्रज ऊपर नख पर तीर मन धारी जय हो नख पर तीर मन धारी भला हो रामा ब्रज ने बचावन वारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावन से वृंदावन में बांधो ही डोलो वृंदावन में बांधो ही डोलो झूला झूला वे राधा प्यारी हो झूला झूला वे राधा प्यारी भला हो रामा तुम संग झूले राधा प्यारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मीनाथ बिन मोरी छप्पन भोग छत्तीसों मेवा छप्पन भोग छत्तीसों मेवा भोग लगावे राधा प्यारी हो भोग लगावे राधा प्यारी भला हो रामा होने जी मावे राधा प्यारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मीनाथ बिन मोरी सावन सेठ बिन मोरी कौन खबर ले मेरे तो प्रभु गिरधर नागर मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दासी के प्रभु नटवर नागर दासी के प्रभु नटवर नागर चरण कमल बलिहारी सावन सागर धारी भरोसों धारो भारी मैं शरण तिहारो लच्चा दाम को हमारी हरि बिन मोरी सावन सेठ बिन मोरी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मीनाथ बिन मोरी सावन सेठ बिन मोरी द्वारकाधीश बिन मोरी राम सत्य बिन मोरी ओम भो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति लोकदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि हरिओम शांति 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 श्री लक्ष्मी सुख शांति करा भवन्तु नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद भवानिश्च पुष्पांजलिर्मया दत्तम ग्रहणम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समिते पुष्प समर्पयामि बोलो भक्तर भगवान की बोलो सावल सरकार की बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भ्रूण हत्या भारत माता की ओम जो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोकदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि हरि ओम शांति 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 श्री लक्ष्मी सुख शांति करा भवन्तु बोलो सावल सरकार की बोलो राधे रानी सरकार की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
आप अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके ठाकुर जी को मंगलाचरण के द्वारा ठाकुर चरणों में हाजिरी लगाओ। बिल्कुल शांति बनाए रखो। वरनाय नामर्थ संघाना रसानाम चंद सामपी मंगला नामश्च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्यामिनान पश्यन्ति सिदा स्वान्तिस्तमीश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पद मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। राधे मेरी स्वामिनी मेरा देजु की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो हरि चरणन अनुराग। या देवी सर्वभूतेषु लटियाल रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए पधारिए हनुमंत कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं विराजो अंजनी लाल। बैगी पदारो राधा माधव गलवे जंती माल
प्रेम सहित कथा सुनाओ सुन लो युगल सरकार। आओ मायरेरी दूजे दिवस री कथा में प्रवेश करा। बीमो पहली ठाकुर जी और राधा रानी जी रे चरणों में मीठी मीठी हाजिरी लगावा। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरण से Yeah.
जग से बचाए रखना। तो भाई कुछ अगर पावना है तो कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़े। क्या कीमत है? इन श्वासों की माला में सदा तेरा नाम सुन लो, सदा तेरा नाम सुन लो। इन श्वासों की माला में सदा तेरा नाम सुन लो, सदा तेरा नाम सुन लो। नाभी नहीं है राधा नाम वाली, सरकार की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। आस रखने वाले सभी देवी देवताओं की जय हो। लटियाल मात की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री राधे। तो काले नरसिंह जी मायरो लेर पहुंच गया है, पहुंच गया के नहीं? तो नरसिंह जी ने कागज मिल गयो नहीं? मतलब मैं बदमाशी नहीं कर सकू, थोने याद है नहीं? मैं सोचू आज ही मायरो भर दू, कालेज भर लू जना, ठीक है। तो विरले भगतरी कथा, भक्तोरी कथा मु भक्ति रो महात्म्य समझ आवे, भक्ति री महिमा समझ आवे, जीवन में भक्ति रो प्राकट्य होए। वो कहवे नी, जेड़ा ग्रंथ पढ़ा, जेड़ी किताबा पढ़ा, जेड़ो करे संग, वेड़ो चढ़े रंग। कदे न के वो कभी तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान, बलि देखा देखी से चालू कर दो, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो रे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर भजन के अंदर तत्व छुपी ओढ़ है, बस ग्रहण करने की सी बात है। पूरो ज्ञान है भजन में, क्या आदत अपनी सुधार लो के हो गया भजन। भजन रो मतलब यही है कि स्वयं का सुधार कर। ए भक्त बड़ा बड़ा क्यों होया? क्योंकि ये संसार रो सुधार करन नहीं निकलिया, ए स्वयं रो सुधार कर लियो। वो केवे नहीं, त्याग मूर्ति जी महाराज से बहुत सुंदर काल चर्चा हुई के कांटा बिखरी ओड़ा हुए पूरी शहर में या गलियों में, तो पूरी गलियां शहर साफ करना पॉसिबल होवे नहीं होवे, पर खुदरे पगा में चप्पल तो पहन सको, थे चप्पल पहन लो तो कांटा चुभे ही कौन। हर जगह में कुछ ना कुछ सीखन मिल जावे। और अठे भी विरला भगत मारा नरसिंह जी जीरो आपा मायरो पढ़ रिया हा, और भक्तरे चरित्र जद करिया जावे नहीं तो मारे भगवान बहुत खुश हो। भक्तमाल चरित्र भी विमे अनूठो है भाई, विमे आनंद ही आनंद है। तो वठिए चिट्ठी लिखी गई दादी जी कयो बीनणी ने के हैटी बेट, मैं एडो सामान लिखा हूं कि नरसी तो कहीं नरसी री छाया ही कोनी आवे बैठे। और कई चिट्ठी लिखाई, सवा पच्चीस मण लिखो रे सुपारी, सवा पच्चीस मण रोरी, और सवा पच्चीस मण लिखो कलेव और एक मेवा की बोरी, और हजार थान महमूदी लिख दो, साल दुसाला कापड़ा, और ठटा करे नरसीरा ब्याही बखतावर से बापड़ा। क्योंकि भक्तरो मजाक उड़ावे, दुनिया ने आ बीमारी है, दुनिया ने आ तकलीफ हो जाएगा, और मारे मुंह अलग की कर जा रही हो, और मोरी बिरादरी में ओड़ो मोरी माया में लपेटा खावे तो ठीक रहे, और थोड़ो बाहर निकले ला नहीं तो कहीं होए के लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सासू कहे कुल नासी, पर मीरा जी कहीं कहता के मैं तो मारा सांवरिया की जन्म जन्म की दासी रे, पग घूर बांध मीरा नाची। संसार ने वीरो काम करण देवनो, एक चीज ध्यान रखनी, विरोध करण वालो ही अपनो सच्चो प्रचारक होया करे, वही फेमस करिया करे, भले बुराया कर कर ही करे, लोग पहचान तो लागेगी, रीति बुराई हो रही है मतलब कुछ तो बात है। विरोध करने वाले का तो हम सदैव ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि विरोध करने वाला ही हमारा प्रचार करता है। ओ कबीर जी कहता नहीं, कई कहता, निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी चमा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाय, ओ भगतो निर्मल करे सुखाय,
श्याम सीताराम राधे श्याम। पूरो गांव नरसी रो विरोध करतो। मैं काले हारियो सुनाए ने मोहन पेरायो हार, राजा तक ने भी विरोधी कर दियो। देखो पूरो गांव विरोधी, राजा विरोधी, भी भक्तरो आज गुणगान गारिया। जो संसार विरोध करता है, एक दिन वही संसार साथ चलने को बेचैन होता है, तब उस भक्त को संसार की आवश्यकता नहीं होती। जब आप उस संसार को पाने की आशा छोड़ दोगे तो वो पीछे भागेगा, तब आप उसको उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो संसार तो अपना काम करेगा, आप उससे हटकर कुछ करना चाहोगे तो वो अपना काम करेगा, उसे करने दो। प्रकृति करवा रही है, उसका क्या कसूर है? वो अपना काम कर रहा है, आप अपने काम में लगे रहो। जिसका रास्ता सही होगा, विजय अंत में उसकी ही होती है, चाहे संघर्ष कितना भी हो। और एटे वरने नावे के चिट्ठी लिखता लिखता जोर जोर मुंह मजाक उड़ा रिया है, जोर जोर मुंह मजाक उड़ावे। अबे देखो मोडियो खिकर आवे नीचे हसे, अरे ऊपर सुता मारा ठाकुर जी हसे। हसलो हसलो जी टाइम आ चिट्ठी रो मायरो आवेला नी, पचे मैं हसार थे पीला पड़ियोड़ा खुणा बैठा रही जो। ठाकुर जी आनंद ले रही है, आज थे असरिया हो, एक दिन मैं ऐसा जर थारा मुंडा पीला पड़ी वड़ा थे बैठा रही जो। और कोकलिये ने बुलायो कुकु पत्री के साथ में, दे दी गई क्या लिस्ट के भाई वो सामान ले रहा हूं। नरसी जी ने कह दीजो, अब कोकलियो नानी कने गयो तो नानी भाई कहो भाई भूल मुई मत आई जो। मार बाप जी ने कही जो के भूल से भी अठे मत आई जो भाई, मायरा बिना तो थारी हासी घणी होसी। ये तरीके वार्तालाप होयो। और जोशी जी पहला श्री रंग जी ने कहो कि भाई मैं इतो दूर जाऊं कि खर्ची पानी तो दो, चाचू रस्ता में कि खान पीन चीजें दो, सेटा थोड़ी घनी खर्ची पानी दी। मन में सोचियो के घरे मामनी हूं तो मिल लो। और जोशी जी पहुंचिया घरे, कमर झुकियोड़ी हाथ में लकड़ी, और मामनी ने कहो भाई मैं तो जाऊं के हिद जाओ के जूनागढ़ जाऊं के क्यों के वो नरसी जी रहते आ सामान रिलिस्ट पत्रिका देवण जावणो है। अब थारे उचालियो तो जावे कोनी, कदे पैदल पहुंचोगा? कमर झुकियोड़ी सीधो कह दे तो सेटा ने के माने तो जाऊं ने टाइम कोनी। अरे गेली याद कर, गेली याद कर, काई याद करे? परशुराम री ब्याह री टाइम में पत्रिका देवन गयो, मने श्री रंग जी 1100 सोने री मोहरा दी। नरसी जी मने 11 सोने की मोहरा दी। अब मैं वारी दोहित्री रो संदेश ब्याम रो लेर जाऊं तो 5 तो मोहरा सोने की मिलेगी मिलेगी। अरे 5 मोहरा? हाँ पैदल पैदल जाओ, थे भले पाचा आओ नहीं आओ पर मोहरा आ जावनी चीज, थे पाचा आओ नहीं आओ पर मोहरा आ जानी। अब जोशी जी भी देवी जे नहीं पर जा रिया है नी, क्यों जा रिया है? क्योंकि लालच ले जा रही है। देखो मैं अक्सर कहूं, एक तो हुए ब्राह्मण, एक हुए बामण। बामण और ब्राह्मण इमें जमीन आसमान रो फर्क है। जो जर्दा गुटका खावे, अभक्ष्य भक्ष्य भोजन करे, मदिरा पान करे, झूठ रसंग करे, वे भी चार करे, वो ब्राह्मण नहीं है, वो बामण है। जो लेवण में नियत राखे, जो लालच राखे, वो ब्राह्मण नहीं है, वो बामण है।
ब्राह्मणों ने सदैव संसार को दिया है, संसार से मांगा नहीं है। ब्राह्मण का काम देना है, ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है भाई, कभी नहीं मांगेगा। ब्राह्मण के तो आगे पीछे लक्ष्मी जी हाजिरी लगा हुए, ब्राह्मण क्यों मांगेगा भाई। जो अरे सुदामा जी को चरित्र को नहीं देखो गई, कथा सुनो नी। त्रिलोकी नाथ चरण धोए स्वयं रे आसन पर बिठावे, वो है ब्राह्मण। कई जना कहे के सुदामा जी पहुंचिया तो भी ने द्वारपाल धक्का दिया। अरे ठाकुर जी के द्वारपाल कोई साधारण है जो ब्राह्मण को धक्का देंगे? कहते दरिद्र सुदामा है, सुदामा दरिद्र। त्रिकाल संध्या करने वाला जिसने कृष्ण के लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया, सच्ची मित्रता पर उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसको दरिद्र शब्द से संबोधित करना? दरिद्र कौन है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है? सुदामा भूखा रह के भी संतुष्ट था, उसके बच्चे 3 दिन से भूखे फिर भी वो संतुष्ट था कि ठाकुर राके जू बढ़िया। ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है भाई, ब्राह्मण नहीं मांगेगा, मर जाएगा पर मांगेगा नहीं। ये हर कथा में एक एक चरित्र हमें बहुत कुछ क्या, मैं तो कहती हूं जीवन जीना सिखा देते हैं।